नमस्ते, आपके साथ मैं हूं अंजलि आनंद। हमारे शो में आपको सेहत से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी, क्योंकि जो फिट वो हिट, और ये सब पर लागू होता है। आपको अपने फिटनेस का खासा ध्यान रखना चाहिए, और मेरे शो में मैं कोशिश करूंगी कि बहुत ही लाइट वर्जन में आपको ये बताया जाए कि आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं। क्योंकि आज का वक्त ऐसा होता है, सबकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग होती है, हर कोई बहुत बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन उन सबके बीच ही हमें वक्त निकालना है अपनी सेहत के लिए। और ख़ास तौर पर कैसे अपनी सेहत का ध्यान रखें, ये हम सबको पता है, लेकिन उसका हम ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको बताऊंगी और हर पहलू को लेकर बताऊंगी कि आप अपना ख्याल कैसे रखें। एक तो कोरोना काल है, और कोरोना काल के साथ साथ अब सर्दी ने भी दस्तक दे दी है, तो ऐसे में हमें और भी ज़्यादा ध्यान देना होगा, और भी हमें अलर्ट रहना होगा। और जब तक हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे, हम काम भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, हम अपने फैमिली टाइम में अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए बहुत अहम हो जाता है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें, हम तरोताज़ा रहें। इसके लिए हमें खासा ध्यान रखना होगा। अगर हम पहले से ही समझेंगे कि हमें कैसे अपने सेहत का ख्याल रखना है, क्या हमें खाना है, किस तरह से हमें वर्कआउट करना है, कैसे हमें अपने स्किन का ख्याल रखना है, तो मुझे नहीं लगता आपकी तबीयत खराब होगी, और आप बल्कि बेहतर महसूस करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें जानना होगा कि हमें कैसे अपनी सेहत का ध्यान रखना है। पिछले कई महीनों से ये सुनते हैं कि अपने इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं। लगातार कई आपने वीडियो भी देखे होंगे इम्यूनिटी को बढ़ाने का। इम्यूनिटी बढ़ाने का अगर तरीके तो तमाम हैं, लेकिन उन तरीकों को हम अपना नहीं पाते हैं। हम जानते हैं, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हमें अपनी सेहत को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जब आप फिट रहेंगे तभी आप हिट हो पाएंगे। तो मेरे साथ फिटनेस एक्सपर्ट मानसी गुलाटी जुड़ चुकी हैं। मानसी जी, जैसा कि आज का वक्त है, हर कोई घबराया हुआ है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कोरोना की बात की जाए तो लगातार इसका संक्रमण और बढ़ते जा रहा है, साथ में सर्दी ने दस्तक दे दी। तो मैं चाहूँगी कि आप बहुत ही सरल शब्दों में ये बताएं कि हमें क्या खाना चाहिए, किन डाइटों को अपने खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत रूटीन होता है, लेकिन लाइफ इतनी भागा दौड़ी होती है कि उसमें हम उन डाइटों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो आप बताएं कि बहुत ही आसान तरीके से कैसे उन डाइटों को इस्तेमाल कर सकते हैं, हम खान पान का किस तरह से सेवन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सिंपल चीजें मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला प्रिंसिपल ये बना लीजिए, 5 बजे के पहले आप लोग ऑयली फूड ले लीजिए, जंक फूड ले लीजिए, बट 5 बजे के बाद इसको जरूर अवॉइड कीजिए। दूसरी चीज, हर आधे घंटे के बाद आधा गिलास पानी जरूर पिए, या आपके बॉडी से जो भी बैड टॉक्सिन्स होते हैं उसको क्लियर कर देते हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिंजर, काली मिर्च, हल्दी, इनका काढ़ा बना के पीजिए। दिन में 3-4 गिलास भी पियेंगे, इससे भी आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही इंक्रीज होगा। और अभी वैसे भी सर्दियां आ रही हैं, बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, नेचुरल फ्रूट्स लीजिए, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, आपका इम्यून हमेशा ठीक रहेगा। तो ऐसे ही इसको फॉलो करते रहिए। तो मानसी जी, ये तो आपने बताया क्या कुछ खाना चाहिए और क्या कुछ अवॉइड करना चाहिए, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होगा। लेकिन मानसी जी, एक ये भी सवाल मेरा रहेगा कि मौसम बदलते हुए ये बहुत आम समस्या देखी जाती है, और ये समस्या मेरे साथ भी रहती है, तो मैं चाहूँगी कि आप बताएं, सर्दी खांसी, और ख़ासकर छोटे बच्चों की आप बात कर ले तो ये बिल्कुल परेशानी हो जाती है किसी भी माँ के लिए। तो छोटे बच्चे से लेकर जो यंग हैं उनके लिए भी सर्दी खांसी के क्या ऐसे उपाय करें जिससे ये अटैक ना हो। सर्दी खांसी में अक्सर लोगों को कोल्ड और कफ हो जाता है, तो मैं बहुत सिंपल चीज़ें आपको बताऊंगी। आप लोग अनुलोम विलोम क्रिया कर सकते हैं, भस्त्रिका क्रिया कर सकते हैं, और बहुत सिंपल आपके व्यूअर्स को मैं बताऊंगी, सिंपल क्रिया कीजिए, ये बहुत ही अच्छी क्रिया होती है। इसमें कुछ नहीं करना, अपनी सांसों की गति को बढ़ाना है। बहुत सिंपली बताऊंगी, अपने हाथ को इस तरह से रखिए, सांस लीजिए, इनहेल, एक्सहेल, इस तरह से सांसों की गति को बढ़ाना, अगर आप रोज 10 काउंट करते हैं, एनीवेयर एनी टाइम हम इसको कर सकते हैं, आपको ज़िंदगी में खांसी जुकाम नहीं होगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना मजबूत रहेगा कि किसी भी बैक्टीरिया का असर हम पे नहीं होगा।
और दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्दी खांसी को कंट्रोल करना। आपके हाथ को इस तरह से यहाँ पे प्रेस करेंगे, इससे भी हमारी सर्दी खांसी कंट्रोल होती है। बहुत सिंपल चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसको जरूर कीजिए। तो मानसी जी, आपका शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से आसान तरीके से वो अपने डाइट को अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से आप इन चीज़ों को आप अगर अपनाएंगे तो आपको सर्दी खांसी का अटैक नहीं होगा, क्योंकि आप देखते हैं सर्दी आते हमें यही डर हो जाता है, हम आइसक्रीम भी खाना चाहते हैं लेकिन आइसक्रीम खाने से हमें बचना पड़ता है, क्योंकि कहीं सर्दी ना हो जाए, खांसी ना हो जाए। तो अगर आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखेंगे तो आप सर्दियों में आइसक्रीम का भी मज़ा ले पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।